लड़के ने मेरा नाक में दम कर दिया है, ये नहीं करा वो नहीं करा। बोलूंगा को ज्यादा लाड करते हो ना, मेरे से प्यार नहीं करते हो। मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर भगवान किसी भी रूप में आके बता सकती है ना, हादसा ना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो मैं वहाँ जाके मर्द बनूंगा ऐसे की। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी मेरी आंखें पूरी नहीं खुल पा रही है क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है। फिर भी चेक हो जाना स्कूल, फिर दो दिन की छुट्टी है तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज स्कूल के लिए उठ जाते हैं, फिर दो दिन सोएंगे आराम से। तो देखते हैं चीकू को उस कमरे से उठा के लाई हूँ, उठ ना जाएंगे, दिन खराब ना हो जाए। तो चीकू को देखते क्या कर रहा है, उधर से उठा के लाया हूँ, यहाँ सो रही है। तो आज चीकू के लंच में पनीर भुर्जी, पराठा, बनाना, बिस्किट, चॉको फिल्स। ऐसे मारूंगी, नहाऊंगा नहीं, सड़ीली सी शक्ल कह रहा नहाऊंगा नहीं। ओए मोटी मोटी चिपकली, ओ मोटी चिपकली, मोटा कैसे हो रहा तू इतना? अरे मैं तो तेरे भर के जम चल रही, फूड भी बंद कर दिए फिर भी मोटी हो रही है तू, मोटी चिपकली। खड़ी रही छोटी बच्ची, अरे छोटे बाबू, अरे छोटा बाबू, मेरा छोटा बेटा, बहुत छोटा, इतना छोटा बच्चा। चलो करो जल्दी करो, लेटूंगा सुबह सुबह। देखो गाइस कैसा लड़का है आपके सामने, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। चीकू की उंगली पे ना यहाँ पे गोल सा ना वॉल्ट तो नहीं कह सकते उसे, कुछ अलग ही था, पता नहीं क्या था वो। मैं ना यूट्यूब पर सर्च कर बोलता हूँ, इस लड़के ने अपने आप ही हटा दिया उसे। ये देखो यहाँ पे निशान दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है निशान, यहाँ पे था। सुबह कम बस नहीं होता आज के बच्चे में, तैयार होने में कि आज मैं जा रहा हूँ यार फोन। ये क्या था, मुझे लगा खुश हो गया, बोलेगा क्यों नहीं जाना, नींद आ रही है। रात को तो टाइम से सो गया ना चीकू, फिर क्यों नींद आ रही है? तो गाइस इसको शायद पता नहीं, मैं बता देती हूँ, ये जाने वाला है ऋषिकेश, क्योंकि इसको सिर्फ आज स्कूल जाना है, दो दिन की छुट्टी है, पापा इसे कराएंगे राफ्टिंग। हाँ जी मम्मा, अभी जो बच्चा हूँ मैं, बच्चे नहीं हो अभी, इतने बड़े बच्चे को भेज देते हैं राफ्टिंग में, क्योंकि तेरे को स्विमिंग आती है। अगर स्विमिंग नहीं आती तो तेरे को नहीं करने देते, पर तेरे को स्विमिंग आती है तो तू जा सकता है। चलो फिर, नहीं नहीं एक शर्त पे। क्या? लेते हो जाऊंगा। हाँ ठीक है चलो, तेरे पापा को बताऊंगी पर ये बात में। खड़ो 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 मस्ती है, खड़ा हो जा। ये लड़के ने मेरा नाक में दम कर दिया है, कल गोलू ने आराम से भेजा था और आके सो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसे भेज के सो जाऊंगी पर ये मेरे सर में दर्द करके छोड़ेगा। तो मेरी नींद का क्या है ना गाइस, अगर मेरी नींद एक बार खुल गई तो मैं दोबारा नहीं सो सकती हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्या ही हो गया ऐसा। लोग होते थे कि एक बार सो के फिर सो सकते फिर सो सकते, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एक बार उठ गई तो मुझे नींद नहीं आएगी, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं दोबारा सो लूँ, क्योंकि रात को 1:30-2 बजे सोती हूँ और उसके बाद देखो अब उठ गई, टाइम हो रहा 7:30। और सुबह सुबह हमारी जिम में चल रहा है वर्कआउट, क्योंकि हमारे जो भैया हैं तो वो कर रहे हैं वर्कआउट, क्योंकि हम लोग तो शाम को करते हैं, वो लोग सुबह करते हैं, क्योंकि वो सुबह इसलिए करते हैं कि कहीं दोपहर में कहीं जाना ना पड़ता है, इसलिए वो सुबह अपनी जिम कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या हुआ था, चल गया था ठीक हो जाएगा अपने आप। हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा, अब अच्छा लगता है ना, माल छोटे हो गए, इतनी खुशी क्या बताए, तो नानी रहता छोटा सा टाइम, इतना छोटा, इतना छोटा 5 रुपए की वो बॉल दिला देने से, ऐसे टपक टपक करती है। मेरा बॉल बैग कहाँ है? कौन सा? उसी में डाले क्या 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 खाने में? खाने में बहुत कुछ है, सबसे पहले खाने के लिए चम्मच डालते जाओ, मम्मा देती जाएगी तड़का, खुला हुआ है, खुला हुआ है, दूसरा देना चेंज करके। बनाना, बिस्किट, चॉको फिल्स, कौन सी सब्जी? पनीर की सब्जी। रोटी बनवा दो। हाँ रोटी दे दे, पर पराठा मोटी दे दे, रोटी बना दो। तो गाइस इसको पराठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा पराठा नहीं खाना, चल टाइम है अभी तो रोटी बनवा देते हैं, फिर रोटी फिनिश करके आना, ठीक है? पक्का प्रॉमिस? अब भी खिला दो पनीर, खिला दो पराठा, खिला ना ना वो लेट हो जाएगा, चल एक रोटी खिला देते हैं। भाभी इसकी मैडम डेली बोलती है ट्यूशन से लेट हो जाता है। मम्मी खाना ना खाऊंगी। नहीं खाना तो खाना पड़ेगा, नहीं पानी तो पीना पड़ेगा। पापा ने क्या समझाया है, दिन में 3 बोतल पानी पीना है। स्कूल में 2 बोतल पानी पी रहे तो बोल रहे मेरे सामने नहीं पिया, ये नहीं करा वो नहीं करा, तो हमें पता नहीं चलता ना बेटा अपने स्कूल में 2 बोतल। दो बोतल पिए मैंने, पक्का प्रॉमिस, गुड बॉय। मेरा राजा बेटा थे बेटे, तेरे को बहुत सारे लोग देखते, बहुत सारे बच्चे देखते, अगर आप टॉय मांगोगे तो वो भी मांगेंगे मम्मी पापा से, ठीक है? बच्चों चीकू टॉय नहीं ले रहा है, आप भी मम्मी पापा से जिद मत करना। बच्चों वाट ले या टॉय?
वेरी गुड, अच्छी बनी है। अब गोलू माँ पे सुनते नहीं हो ना, तंग करते ना गोलू माँ को, गोलू माँ को ज्यादा लाड करते हो ना, मेरे को कम करते हो ना, मेरे से प्यार नहीं करते हो आप। गुड बॉय, तुमने अपना बैग चेंज कर लिया, तुम दिल्ली से लेके आए थे ना, ये वाला बैग ज्यादा पसंद है बोला नहीं जो हमने लाया, तो ये बैग हमने कहाँ से लिया था, हमने स्टोरी डाले, देख लेना अगर आपके बच्चों को भी चाहिए तो। नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है, इसमें डाल दो। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, और अभी स्कूल से आने के बाद मैं जाऊँगा ट्यूशन, और जब तक मैं स्कूल जा रहा हूँ उसके बाद आने के बाद आपको मिलता है। गाइस मैं चाय को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और नीचे बेल आइकन उसको दबा दो, फिर आपको मेरे नए नए ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए, गोलू पायल है घर, और मेरी शर्तें थी कुछ जो किसी ने नहीं मानी। क्या नहीं मानी पायल? आपकी शर्त ये थी कि जो आपके साथ बंजी जंपिंग करेगा आप उसी को लेके जाओगे। बिल्कुल जाऊंगा। तो देखो अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी ऊपर से नीचे कूद जाऊँ। तो मैडम क्या इरादा है? कोई इरादा नहीं, कोई सोचना नहीं, कोई ये छोटी मोटी बंजी जंपिंग मैं नहीं करती, मैंने आपके लिए 10,000 फुट से कूदी थी। अच्छा, अगर वो कूदवाना हो तो फिर वहाँ चलूंगी, ऐसे छोटी मोटी जगह पे मैं नहीं जाती। भाई मैं आपको बात बता देता हूँ, जहाँ से 10,000 से ऊपर से कूदी थी ना नीचे, वहाँ इसको एक आदमी लेके कूदा था, और जो ये है ना ये उससे भी खतरनाक है। आपको पैर पे रस्सा बांधा जाएगा, उसके बाद आपको ऊपर से कूदाया जाएगा, उसके बीच में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। और ये नहीं पता आप लोग नीचे वापस आओगे नहीं आओगे, बट देखो सारे झूलों में लिखा होता है कि ये जितनी भी आप झूले खा रहे हो उसकी आपकी जिम्मेदारी खुद की है। हाँ, तो आप अपनी रिस्क पे जा रहे हो, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो पायल ध्यान रख भाई। है बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ, बस मैं पैकिंग कर रही हूँ, आते ही बच्चों के बर्थडे को सेलिब्रेट करके निकलेंगे दुबई के लिए, और कम से कम 1 महीना दुबई घूमूंगी गाइस मैं, क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप है आप सबको पता है। तो मैंने ना पायल के लिए ना बिजनेस क्लास बुक कराया है, मैं चाहता हूँ जिंदगी के सारे मजे लेके आए, मतलब जिंदगी में पहली बार बिजनेस क्लास में जाऊंगी, वो भी पासपोर्ट पे ठप्पा लगा के आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल। तो भाई दुबई में जितने भी एडवेंचर है, जितने भी चीजें हैं, जो भी दुबई वाला मुझे सुन पा रहा है तो हमारे मैनेजर को बता देना, हम सारी चीजें करने वाले, साथ साथ 2 गाने भी शूट कराऊंगा। गाने भी शूट करने? और क्या, थोड़ा सा बाहर का वेदर का गाना अलग होता पायल। ठीक है जी, है ना। तो बुर्ज खलीफा पे तो चढ़ेगी? हाँ, बुर्ज खलीफा के सामने होटल लूंगा। ठीक है बुर्ज खलीफा पे चलेंगे, और जिसको भी मिलना होगा वो भी आके मिल सकता है। तो भाई ये मेरा ना वर्साचे का चश्मा है, और इतना नीट एंड क्लीन है, और इनको मैंने जो दिलाए थे ना सारे खराब हो रखे हैं। पराडा और वो दिलाया था गुची, कोई चश्मा खराब नहीं हुआ, जो गुची वाला चश्मा है ना वो बिल्कुल ठीक है, पराडा वाला खराब हुआ। देखो ऐसे मत बोलो, तुमने करे ना भाई, वो लूज हो गया पराडा वाला। बात लूज की नहीं है, तुमने उसको इतने ज्यादा स्क्रैच कर रखे ना, चीजों को संभालना सीखो भाई, समझिए। अब तो हम इतना संभालते हैं कि हमने अलमारी के लॉकर में रखते चश्मे। मैं आपकी स्क्रैच देख रही थी, चश्मा पूरा चमक रहा, आंखें भी नहीं दिख रही मुझको भाई, एक भी स्क्रैच नहीं होता मेरे चश्मे पे। मेरी ना गाइस आदत है, मैं ना चीजों को बहुत संभाल के रखता हूँ, जैसे गोलू और पायल को संभाल के रखा, ये चीज नहीं है, मेरी बीवी है, पर फिर भी मैं इनका बहुत ध्यान रखता हूँ। देखो हमारे पे भी कोई भी स्क्रैच नहीं है, चमकते हैं, देखो हाथ पैर सब चमक रहे हैं। अच्छा काम और कर, गमीज और मंगा ले, पावर गमीज के लिए, और जो तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी चलने दो। ठीक है, ओके जी, चलो दुआ में याद रखना, छोड़ के आने आपको नीचे तक। नहीं मैं चला जाऊंगा, देख लो, चलो चलो छोड़ के आ जाते। तो भाई मेरी बेटी ना जाने से पहले पापा पा करने लगी, ये भी देखो पापा का पापा। यार मम्मी कब बोलेंगे बच्चे, यार सब पापा पापा कर रहे हैं। जब पापा घर पे नहीं होते तो माँ ही पापा होती है। तो बेटा माँ बोलो, माँ, मम्मा, पापा, मम्मा, पापा। तो भाई मेरा पापा बोला इसने, बोला बोला। तो भाई यहाँ पे शिकारी आ गया मेरा। हाँ भाई पृथ्वी, पापा बहुत मारने लग गया यार आजकल। आज मुझे डॉक्टर ने बोला, मैंने डॉक्टर के पास गई, मैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे ये मार रहे, क्या करें? कह रहे जब भी मारते हैं ना तो आपको इनको हिट नहीं करना, आपको इनको समझाना है, क्योंकि पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे वही रिपीट करते हैं, आपको समझाना है इसको आंखों में आंखें डाल के, नो नो, और जब ये गुड हरकत करे ना इसको आबाशी करनी है। अच्छा, हाँ डॉक्टर कह रहे मारना नहीं। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको? नो, डॉक्टर कह रहे कि गलती हम पेरेंट्स की होती है, हम बच्चों को ऐसे ऐसे लेके ऐसे ऐसे करते हैं, छोटे होते हैं तो वो मारना सीखते हैं, जब वो मारना सीखते हैं तो हम कहते हैं क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बोला बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी, बच्चों के सामने गुस्सा नहीं होना, वो वही सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे क्या समझा रहे, मैं थोड़ी करता हूँ कुछ। अरे फिर भी देखो, नो गंदी बात, अच्छी बात कब करोगे आप? क्या हुआ तुबा, कहाँ है पापा? पापा कहाँ? देखा ये मम्मी, ये भी पापा की दीवानी है तुबा। मम्मी एक और आ गया। हाँ बेटी। हाँ क्या हुआ? आनु पापा, फिर तो साफ बोलती है ना। आनु पापा। तो भाई मेरा यही था कि मैं बच्चे से मिलता हूँ, चीकू आ रहा है और पायल गया। कहाँ गई? क्या
बार काट के दिखाती हूँ, जैसे ऐसे आएगी आपके पास प्यार से करेगी, ऐसे करेगी। कोई बात नहीं, क्या मम्मा अभी तो दांत आए, अभी तो थोड़ा सहन कर लो, है ना। पहले क्या होता था जब हम छोटे होते थे ना, तो जैसे पहले के जो माँ बाप होते थे ना पहले, वो बच्चों को 5 से 6 साल तक दूध पिलाते थे। हाँ। उस टाइम माँ की हालत कितनी खराब हो जाती थी, जब फीड कराते थे ना बहुत काटते थे बच्चे। पता है, पता है। अभी तो क्या ना, 1 साल भी दूध नहीं पिला पाते, पहले की माँ 6 साल दूध पिलाती थी। अरे मेरे को खुद, मैंने 3 साल पिया है। तो भाई यहाँ पे मैं बैठा हूँ, चीकू का इंतजार कर रहा हूँ। चीकू स्कूल से आ रहा है, उसकी 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जान को साथ लेके जाऊँ, थोड़ा सा घूम लेगा, एडवेंचर कर लेगा, अगर हो सका तो बंजी जंपिंग भी करा दूँ उसको मैं। तो भाई ये देखो हमारा जो कृष्णा है वो चश्मे लगा रहा है, इसका चश्मा मिल जाते ना, एक छोटा सा पायल मिला ही नहीं, गुडू एक ही चश्मा था, वो भी पिंक था, और दोनों लड़के पिंक लगाएंगे। इधर देखो, हाँ मैं बेटी, मैं बांधनी, सुंदर लग रहा है, सुंदर तो है ही, लग क्या रहा है। कृष्णा क्या कर रहा है बेटा, बाहर आजा, ओए लड़के जा रहा है, निकला नहीं जा रहा है, अनु कृष्णा इधर आ, जल्दी आ, जल्दी 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 आ गया। हाय, आज मैंने ना जैद को पिनाए हुए थे, मैं बच्चों के साथ गई थी ना वैक्सीनेशन लगाने, तो दीदी ने बोला कि ये ना निकाल दो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारी सोसाइटी में एक लेडी आई आंटी के पास और बोलने के लिए आई कि ना जैद के कड़े निकाल दो, कि बाकी बच्चों के घुंघरू नहीं है ना, सिर्फ जैद के थे। उन्होंने बोला उनके घर में किसी बच्चे ने ना, ऐसे बच्चे शरारती है, मुंह में ले लिया और चला गया, मुंह के अंदर बच्चे का ऑपरेशन हुआ, अभी हमारी सोसाइटी के अंदर ही, हमारी सोसाइटी में। हाँ, तभी तो वो आए, जैसे उन्होंने मुझे बताया ना, मैंने तो उसी सेकंड निकाल दिया, मैंने कहा क्योंकि यार भगवान किसी भी रूप में आके बता सकते हैं ना। काम करते ना, ये घुंघरू हटाई देते हैं इसमें से, मैंने तो इतना दिमाग नहीं लगाया, मैंने कड़े निकाल दिए, हटा देती हूं। तो गाइस हादसा ना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि बच्चों के साथ ही, बड़े के साथ भी हो सकता है, तो हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे हमें किसी ने बताया और गोलू ने तुरंत निकाल दिया, तुरंत, तो लोगों की बात अनसुनी मत करो, सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये ना लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है कि जैद का जब ऑपरेशन हुआ था उसके सिम्टम्स क्या है, हम लोगों को बता सकते हैं, अगर तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो ऐसी दिक्कत है। अच्छा, और एक चीज देखो गुड्डू, इसमें 3 है पूरे, इसमें 2 नहीं है, अब 2 कहां है, अब दो का हमें नहीं पता, तो इसलिए हमेशा ना सतर्क रहना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चीकू ने वैसे व्लॉगिंग शुरू कर दिया मेरी जान ने, तो भाई मैं और चीकू जा रहा हूँ भाई बंजी जंपिंग करने के ऋषिकेश। कोई भी जा सकते है, जितने लोग है मेरे साथ, जो जाएगा पर बंजी जंपिंग करेगा वो चलेगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तो नहीं जा सकती। तो भाई हमारे बच्चों का बर्थडे, आपको पता है, एक अगर पिता जा रहे हैं तो पीछे से माँ होनी चाहिए ना। या पिताजी तो अभी जा रहे हैं, पिताजी कौन से घूमते हैं, तो लक्ष्य तू चलेगी? क्यों, तबियत तो इसकी ठीक है, मैंने बोला था बंजी जंपिंग करेंगे, तो ये कह रही है मेरे से अकेले नहीं कूदा जाता, तो मैं फिर कह रही मैं किसी के साथ कूद लूंगी, मैं देखा अगर तू मेरे साथ कूदेगी ना तो पूरी इंडिया में वायरल हो जाएगी कि अरमान और लक्ष्य कूदे बंजी जंपिंग से एक साथ। मतलब उसी दिन ये लगा रहे, पूरे इंडिया के आर्टिकल तू ही बनेगी। बोल, आर्टिकल बनना है बेटा, तू कूदेगा? चल पड़ूंगा, चल तो रहा है तू, उसी को साथ ही तो चल रहा है, तू भी चल रहा है। पहली बात बता, जो बच्चे होते हैं वो अलाउड होते हैं? मुझे ऐसा लगता है की चीकू ने बहुत सारी ऑलरेडी बहुत सारे एडवेंचर कर रखे हैं, उनको थोड़ी पता है एडवेंचर कर रखे हैं, तो हम वो सर्टिफिकेट दिखा देंगे जिसमें चीकू गया था बैलून में, बड़े बैलून में गया था। वो उनसे नहीं होता कुछ भी, बंजी जंपिंग नहीं करने देते, वो लिखवा लेते ना, फादर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ तो आप साइन कर देना। वो भाई बहुत ऊंचा है, मेरे अभी डर लग रहा है, तो मैं वहाँ जाके मर्द बनूंगा ऐसे की। हाँ भाई मान दो, ये आपकी गलत फहमी है। क्या चीकू डर जाइए, हो ही नहीं सकता। क्यों, चीकू बहुत शेर दिल है। चलो देख लेंगे वहाँ जाके शेर दिल के पैर कहाँ पे है ना, जब लक्ष्य तू बता क्या कहती है। मेरे को तो देख के डर लग रहा है। लक्ष्य ना भाई फुल रेडी थे, ऋषिकेश ले चलो ऋषिकेश, मेरी शर्त ये है भाई चलेगा वो जो कूदेगा। बोल भाई। नहीं तो गाइस चीकू के स्कूल से आने का टाइम हो चुका है, तो हम चलते हैं चीकू को स्कूल से लेने। चीकू आते ही भाई, क्या ढूंढ रहा है बैग से? क्या चीज ढूंढ रहा है मेरे को बता दे, मैं ढूंढ देता हूँ। तो आज मैं आ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ घर। क्या सरप्राइज है भाई? भाई ये मेरे को भी नहीं पता, पापा ने बोला बस चीकू को जल्दी से लेके आओ, तो चीकू को हम जल्दी से घर लेके जा रहे हैं, कुछ सरप्राइज है इनको बताया वो सरप्राइज, इनको पता पर इन्होंने बताया नहीं। आप बताओ, मैं इधर आ रहा हूँ। कोई नहीं, अभी घर पहुँच जाएंगे, पता लग ही जाएगा, बस बने रहिए, देखते हैं क्या सरप्राइज है। तो भाई चीकू को लेके जा रहा हूँ ऋषिकेश, क्योंकि इसकी 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैं चाहता हूँ बाप बेटा वहाँ फन करे पूरा। पापा वहाँ पे वो भी होती है राफ्टिंग, सब कुछ होता है, राफ्टिंग में जाने नहीं देते बेटा बच्चों को, तो बहुत सारे एडवेंचर है बच्चों के। अब मैं बच्चा थोड़ी रहा हूँ बेटा, आप मेरी नजर में बच्चा नहीं हो, पर उनकी नजर में बच्चे हो आप। बाय गाइस, मैं रहा हूँ ऋषिकेश।
तो भाई बच्चों का ब्लॉग चीकू का ब्लॉग बच्चे भी गए उसकी माँ हो रही पीछे बेटा बाय बाय कुछ नहीं करा कोई मतलब नहीं मैं बार बार सबसे मैं दो तीन बार पूछा मैंने चीकू आ गया एक मग्गा पानी ले आई मैं उसमें कूद लूंगी चल बाय 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 अपने बैग लो ठीक है छोरे ने बाय बाय।